दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर एंड दिवाली हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, राइट? वी इंडियंस, चाहे हम कहीं पर अमेरिका में हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या सिंगापुर में हो, दिवाली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, आई एम शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुड ऑफ फन। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ रेनोवेशन के, जो आप दिवाली से पहले रेनोवेट कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग टू मच। आपको पूरा घर तोड़ के या पूरा घर रेनोवेट करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे आइडियाज़ को प्ले एंड पार्सल कर लीजिए, विच इज़ अंडर 10 to 15,000 रुपीज़, और आराम से 10 से 15,000 के बीच में ये सब काम हो जाएगा। क्या आप जानना चाहेंगे? बता दूंगा, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं। तो पहला टिप इज यूजिंग पेंडेंट लाइट्स। तो ये लाइटिंग जो है ना, बहुत आसान है, बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपको आपकी सीलिंग्स में या आपके लेंटर में थोड़ी सी अगर लाइटिंग की पॉइंट्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर आप हैंगिंग लाइट्स या पेंडेंट लाइट्स डाल सकते हो। मे बी एक पतली पेंडेंट लाइट हो सकती है, या 3 लाइट्स का सेट हो सकता है, या फिर एक शैंडलियर हो सकता है। इस लाइट को ऐड करते ही आपके घर का डेकोर एकदम से बढ़ जाएगा। चाहे वो बेडरूम हो, बेडरूम में साइड टेबल्स के ऊपर डाल दीजिए, ड्राइंग रूम हो उसमें कॉर्नर्स में डाल दीजिए, या मे बी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी डाल सकते हैं। वहाँ का फैन हटा दीजिए एंड मे बी यूज दिस पेंसिल शैंडलियर, एक पेंसिल शैंडलियर के फॉर्मेट में इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर भी लगाया जा सकता है। फैन तो हटा दोगे, एसी जरूर लगा लेना अगर नहीं लगाए तो। द सेकंड एलिमेंट दैट कैन बी डन इज रेनोवेटिंग योर बेड। जो बेड के बैक में हेडबोर्ड होता है, अगर आप उसको रेनोवेट कर दो या उसकी अपोस्ट्री चेंज करवा लो, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मे बी 5,000-10,000 रुपीज़ के बीच में किया जा सकता है एट अ सर्टेन लेवल ऑफ फैब्रिक, उससे आपका पूरा बेडरूम का फील चेंज हो जाता है। बेड हमेशा सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होता है बेडरूम में, तो एक हेडबोर्ड चेंज करते ही क्विकली उसकी फील इनहांस हो जाती है। द थर्ड टिप फॉर रेनोवेशन इज सस्ती वाली, चेंज अपोस्ट्री। कि मे बी सोफे का कपड़ा चेंज कर लो, या फिर डाइनिंग टेबल के जो सीट्स का कपड़ा है उसको चेंज कर लो, या मे बी कर्टेंस हैं उनको चेंज कर लो। ये बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट अगर आपका ये बहुत पुराना है और आपको 4-5 साल 6 साल हो गए हैं, तो इस दिवाली आप इसको रेनोवेट कर सकते हो। माय फोर्थ टिप फॉर टुडे इज़ ऐड अ रग। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, एक रग ऐड कर लो। मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे टिप्स में बताया है लग्जरी को एनहांस करने के लिए। डाइनिंग टेबल के पास भी एक रग लगाया जा सकता है, लिविंग रूम में मे बी सोफ़ास एंड सेंटर टेबल के नीचे भी एक रग लगाया जा सकता है, या फिर बेडरूम में भी एक बेड साइड रग या लाइनर लगाया जा सकता है। तो ये रग ऐड करते ही थोड़ा सा फील अच्छा हो जाएगा, आपकी पुरानी फ्लोरिंग छुप जाएगी, थोड़े दाग धब्बे छुप जाएंगे एंड एक अच्छा फील भी आ जाएगा। माई फिफ्थ टिप इज़ ऐड अ फ्लोरिंग। एक फ्लोरिंग ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइल लगी हुई है कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर लगा है कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक विनाइल फ्लोरिंग या एक वुडन फ्लोरिंग डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में ये फ्लोरिंग आ जाती है। डिफरेंट कलर्स आज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है वुडन का कलर ही हो, ग्रेज, वाइट, ब्लैक्स, ब्लूज, बहुत सारे कलर्स हैं फ्लोरिंग के अंदर जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। तो विनाइल फ्लोरिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, सस्ता है और जल्दी से इंप्लीमेंट हो जाता है। एक दिन लगेगा और आपके पूरे बेडरूम का फ्लोरिंग या पूरे घर का फ्लोरिंग हो सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाउस इज एडिंग अ वॉलपेपर। एक अच्छा सा वॉलपेपर बहुत अच्छी फील क्रिएट कर सकता है आपके ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम या बेडरूम में। क्या करो, सिंपल सा है, थोड़ा सामान आगे कर लेना और एक नया वॉलपेपर लगा देना। एक दिन का काम होता है वॉलपेपर लगाना, चूज करना और लगाना। थोड़ा चूज करने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मे बी हायर अ डिज़ाइनर या खुद भी कर सकते हो अच्छे से कर लो तो, और वॉलपेपर वाले को बुला लो और उसको बोल दो लगाने के लिए, तो बहुत आसानी से आपके पूरे घर की फील चेंज हो जाएगी। दिस इज़ माई फेवरेट, ऐड आर्ट पीसेस या ऐड पेंटिंग्स। पेंटिंग्स या आर्ट पीसेज बहुत आराम से, आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी डाले हैं, आपको छोटे छोटे आइटम्स अगर परचेज करने हैं आप परचेज कर सकते हो। एक अच्छी सी बड़ी पेंटिंग या एक सिग्नेचर आर्ट पीस लगा लो, उससे एकदम से फील इन्हांस हो जाता है लिविंग रूम का या बेडरूम के बैक का। अगर बेड के बैक, आपने बेड का बैक अभी नया लिया है और चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर एक पेंटिंग तो डाल ही सकते हो, उससे एकदम से लुक एंड फील अच्छी हो जाएगी और दिवाली डेकोर में भी बड़ा मज़ा आएगा। एंड देन मिरर्स, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, पर बहुत सारे डेकोरेटिव मिरर्स होते हैं, चाहे वो ओवल शेप में हो, राउंड शेप में हो, रेक्टेंगुलर में हो या स्क्वायर में हो, बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं। अमेज़न पे आप जाओगे, मैंने कुछ लिंक्स भी डाले हैं जिसमें आप आसानी से ये मिरर्स को डाल सकते हो, चाहे वो आपका एंट्री फॉयर हो या बेडरूम हो
या फिर लिविंग रूम हो, इवन कुछ एरियाज़ अगर आपकी गैलरी है और छोटे हैं, जैसे आई नो पीपल हु आर फ्रॉम मुंबई और जो छोटे छोटे एरियाज़ जहाँ पर फ्लैट बहुत बड़े नहीं हैं, तो वहाँ पर मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन दिल्ली, नोएडा और बाकी जगह पर भी हम काफ़ी जगह मिरर्स लगवाते हैं, बिकॉज उससे थोड़ा फील अच्छा हो जाता है, लग्जरी हो जाता है एंड आपकी स्पेस भी बड़ी बड़ी हो जाती है। मिरर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, कलर्स हैं, रोज़ गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, ब्लैक, सिल्वर, बहुत सारे टाइप के मिरर्स आते हैं। तो अपॉन योर फील, जैसा आपके घर का फील है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। अब आ गए कुछ दिवाली के बेसिक टिप जो सबको पता होता है, चाहे वो कैंडल ऐड करना हो या एक रंगोली बनाना हो या मे बी कुछ और छोटा छोटा डेकोर डालना हो, ये हम सबको पता है और हम सब ने बचपन से देखा है। अगर क्विकली कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना है, बहुत सिंपल है, 2-3 हज़ार रुपये में आराम से अमेजन से आपको बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, प्लांटर्स मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, उनको ले लीजिए और उनको जगह जगह पे डाल दीजिए अपने घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर आपको फील इन्हांस हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है, तो करनी चाहिए। दिवाली इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, पुरानी एनर्जी हटानी है और नई एनर्जी को लेके आना है, यही काम है दिवाली पे। गॉडेस लक्ष्मी तभी खुश होंगी, तभी आपको खूब सारा पैसा देंगी जब आप उनके लिए थोड़ा क्लीन घर बना दोगे, थोड़ा अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना दोगे घर में, उसके बाद आपका घर अच्छा लगने लगेगा। तो ये सारे आइडियाज़ विदिन 10-15,000 रुपीज़ हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे वो थोड़ा सा घर में अच्छी खुशहाली और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ला पाएँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, शशांक जैन।